आपके साथ और कोई आए हैं यहाँ पे? यहाँ पे बस हमारे जीजा है और दो चार आदमी पकड़ के लाए हैं। यही हमारे जीजा है। क्या नाम हुआ आपका? अमरजीत नाम। अच्छा, आप इस शादी से खुश हैं? हम तो खुश हैं। हम तो खुश हैं। बिहार में पकड़ो हुआ शादी के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन समस्तीपुर के सदर अनुमंडल क्षेत्र के मोरवा में हुई एक शादी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। हुआ यूं कि दूल्हा बना लड़का अपनी बहन को उसके ससुराल छोड़ने गया था। इस दौरान बहन की ननद की शादी को लेकर सालों से परेशान परिजनों को दूसरा रास्ता दिख नहीं रहा था। बाकी जगहों पर शादी के लिए भारी दहेज की मांग की जा रही थी। जैसे ही अपनी बहन को ससुराल पहुंचाने भाई गया, बहन के ससुराल वालों ने उसे पकड़ लिया और मंदिर में ले जाकर बहन की ननद की शादी करा दी। जानकारी के मुताबिक दल सिंह सराय के साठा का रहने वाला युवक विनोद कुमार अपनी बहन को उसके ससुराल पहुंचाने गया था। इस दौरान बहन के ससुराल वालों ने युवक को पकड़ लिया और मोरवा खुदनेश्वर स्थान मंदिर लेकर चले गए। वहां लड़का कुछ समझ पाता तब तक उसे पाक पहनाकर लड़की को बिना दुल्हन के ड्रेस में उसके सामने खड़ा कर दिया। उसके बाद उससे जबरन वरमाला डलवाया और लड़की की मांग में सिंदूर डलवा दिया। वहीं लड़के ने अपनी शादी से इनकार किया है। विनोद कुमार ने कहा है कि उसकी शादी जबरदस्ती कराई गई है, उसने अपने मन से शादी नहीं की है। वहीं शादी का एक वीडियो भी इलाके में वायरल हो रहा है, जिसमें लड़की का जबरन हाथ पकड़कर वरमाला डलवाया जा रहा है। दूसरी ओर लड़की उसके बगल में चुपचाप खड़ी दिख रही है। लड़के ने कहा कि वो अपनी मर्जी से शादी करेगा, वो इस शादी को स्वीकार नहीं करेगा। वहीं दूसरी ओर बहन के ससुराल वालों ने कहा लड़का सब कुछ छुपा रहा है। परिजनों के मुताबिक लड़का अपनी बहन के साथ जब भी ससुराल आता था उनकी बेटी से छुप छुप कर मिलता था और दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था, इसीलिए परिवार वालों ने दोनों की शादी करा दी। फिलहाल शादी के बाद दूल्हा दुल्हन को छोड़कर अपने गांव आ गया है और लड़की अपने परिवार वालों के पास है। इस घटना के बाद दोनों परिवारों में समझौते की बात चल रही है। वहीं लड़का इस तरह से की गई शादी से खुश नहीं होते हुए शादी से इनकार कर रहा है। हालांकि दोनों परिवार आपस में बातचीत कर मामला को सुलझाने में जुटे हुए हैं। मोरवा प्रखंड स्थित चर्चित मंदिर खुदनेश्वर स्थान मोरवाडी में यहाँ पे एक लड़के का जबरन शादी करवाया जाता है। पता करते हैं, जांच करते हैं क्या कि यहाँ पे क्या समस्या है। हम यहाँ नहीं चल जाए, हम केवल किए बैंक पहुँचावे खातिर लिए जाए। क्या नाम है? ये लड़की से एक बार सुनो ना पहले। क्या नाम है? मीडिया वाला आया हुआ, रुके। क्या नाम है? मेरा नाम विनोद कुमार हुआ। विनोद का घर कहाँ है? घर दलसी चौराहे साठा। अच्छा, यहाँ पे मतलब आपको शादी के लिए लगे जाने के लिए आए थे? कसरा में। किसको? बहन को, अपने बहन को। लड़की वालों के द्वारा कहा जा रहा है कि आप बाइक भी कसवा लिए हैं शादी के लिए? हमारे पता नहीं है इस बारे में। गाड़ी देख गाड़ी देख के आए हैं ना? अभी हम देखने के लिए गए थे। देखने के लिए गए थे तो फिर शादी से क्या दिक्कत है? शादी से दिक्कत यही है, हम शादी नहीं करते, हमारे हमारे पर गार्जियन है। अच्छा, हाँ। तो गाड़ी देख गए, जब गाड़ी देखने गए थे उससे पहले आप गार्जियन से बात किए थे? हम बात नहीं किए थे गार्जियन से। तो क्यों नहीं किए थे? उसमें आपकी गलती है? गलती हमारी है। वहाँ से आप गाड़ी देख के फिर वहाँ से क्यों? हम बोले हम गाड़ी नहीं लेंगे, अभी हम नहीं करेंगे। तो यहाँ बोल, यहाँ चौधरी चौक से फोन आया था, बोले आ जाओ आ जाओ। ठीक है, हम आ रहे हैं। हम गए तो वहाँ पे एजेंसी पे गए तो बोले, हम बोले चलने चलिए आप अति कचरा चलिए, लेकिन फिर भी चलिए आप वहाँ कचराजल। फिर हम नहीं जाएंगे, वहाँ चलेंगे अति कचरा जाएंगे, कचरा था मम्मी वहाँ थाना पर है। आप लड़की वाले को या फिर किसी को जानते हैं? हम किसी को नहीं जानते हैं। किसी को नहीं? किसी को नहीं जानते। लड़की वाले का कोई यहाँ पे? लड़के वाले को हम किसी को नहीं पहचानते, नहीं जानते। आपके साथ और कोई आए हैं यहाँ पे? यहाँ पे बस हमारे जीजा हैं और दो चार आदमी पकड़ के लाए हैं। कहाँ है जीजा जी? कहाँ गए? वही जीजा का है। यही हमारे जीजा है। क्या नाम हुआ आपका? अमरजीत नाम। अच्छा, आप इस शादी से खुश हैं? हम तो खुश हैं। आप करवाना चाह रहे हैं तो फिर ये क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? ये घर से इनको दबाव पड़ा है कि घर में नहीं रखेंगे। अच्छा। हम रिक्स लेते हैं, हम रखेंगे घर पे। अच्छा, घर के गार्जियन हमारे पर गार्जियन है। आप कितना दिन रखेंगे? जितना दिन रखेंगे सबके ना रखेंगे जी। एकदम तैयार नहीं है? तू तैयार छे? तैयार नहीं है। गाड़ी खरीदाने कैसे किया? तैयार होइ छै
सोच विचार करना। अरे ले के काम करिए ना, जो करना है करिए। पंडित जी कहाँ गए थे? एक आदमी जा दुकान में से सिंदूर लेने आबो। सिंदूर लाओ, सिंदूर 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 लाओ। हां भैया, सिंदूर सिंदूर लाओ, सिंदूर लाओ। जैसा कि आपको पता है, लड़के के पिताजी शादी से नाखुश हैं, तो आप इन दोनों का जिम्मा लेंगे ना? गार्जियन से बात हो चुका है, गार्जियन से बात हो चुका है, हम खुद बात, रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास में। अच्छा,